दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। तो यहां पर हमने एक बजट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है बच्चों के लिए। तो बजट डेफिसिट का क्या मतलब है आप वो समझ लीजिए। बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे बजट रिसीप्ट्स, ठीक है, यानी कि जब हम इसको बोल रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर, इसको बोल रहे हैं बजट रिसीप्ट्स। तो जब आप बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दोगे बजट रिसीप्ट्स, तो जो डिफरेंस बचेगा वो बजट डेफिसिट कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हो इसको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया RE, ये हमारा हो गया CE, तो इसको हम कहेंगे ये RR हो गया, ये CR हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे क्या, बजट डेफिसिट। मुझे यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि कई बार इसको प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में भी डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि कई बार इसको प्लान्ड रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है, मैं PRE लिख देता हूं, तो उसका मतलब भी वही है। तब आप प्लान और नॉन प्लान को आप मिला दीजिएगा, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वाइज या थ्योरिकल, तो ठीक है। तो यानी कि बजट डेफिसिट के बाद हम समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया या कोई सब्सिडी दे दी, तो ये गवर्नमेंट के लिए दुख की बात है। बिल्कुल, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, सॉरी, ये गवर्नमेंट के लिए दुख की बात है, ठीक है। तो ये दुख की बात क्यों है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा है। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, मान लीजिए टैक्स और नॉन टैक्स, गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए खुशी की बात है। तो रेवेन्यू डेफिसिट तब कहलाता है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है किससे, रेवेन्यू रिसीप्ट से, और जो बीच का डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बीच का डिफरेंस है, वो कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकली इसको पता करना हो तो आप इसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू निकाल कर रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के रेफरेंस में है, वो है फिस्कल डेफिसिट। यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है आपकी जो नेट बोरिंग कितनी है, नेट बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी। तो नेट बोरिंग और अदर लाइबिलिटी को जो इंडिकेट करता है उसे आप बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, यानी कि दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर हमने शामिल कर लिए, इसको आप क्या बोलोगे, बजट एक्सपेंडिचर, यानी इसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिसीप्ट्स, लेकिन उसमें बोरिंग को शामिल हम नहीं करेंगे। यानी कि बोरिंग को छोड़कर बाकी के सारे सोर्सेस से जो इनकम हुई है वो कम है किससे, रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि किससे करेंगे, यहां लिखेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी कि हमने इसमें क्या शामिल नहीं किया, बोरिंग को शामिल नहीं किया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बजट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है किसे, बजट रिसीप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी कि बोरिंग को छोड़कर अगर हमारी जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसीप्ट से ज्यादा है तो इसकी जो डिफरेंस है उसको आप बोलोगे फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कमाया माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो जो नेट बचेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट को हम
आगे भी एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग वीडियो बना के, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट पे अलग वीडियो बनाएंगे, फिस्कल पे अलग वीडियो बनाएंगे, इन सब पॉइंटों पे हम अलग अलग वीडियो बताएंगे जिसमें हम इसकी डेफिनेशन के साथ साथ दोबारा से इसका फॉर्मूले को क्रिएशन करेंगे और साथ ही साथ इसका इंप्लीकेशन के बारे में भी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में हम सारी की सारी टॉपिक्स करने वाले हैं। आगे हम करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट जो हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे जो ग्रांट आपने दी है, ग्रांट फॉर क्रिएशन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, इसको आप बोलोगे क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। डिटेल हम आगे और भी करेंगे बच्चों। मॉनेटरी फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, मॉनेटाइज फिजिकल डेफिसिट की, तो मॉनेटाइज फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है नेट बोरोइंग फ्रॉम RBI, यानी कि RBI ने जो ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह इशू जो किए हैं गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इशू किए हैं जिसके बदले लोन लिया, उसका अमाउंट कितना है। यानी कि ये क्या बात करता है, ये बताता है कि फिस्कल डेफिसिट का वो वाला पार्ट जो कि RBI से बोरो के रूप में उधार लिया गया है, इसको आप बोलते हैं मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट। तो बच्चों, आने वाले वीडियो में हम इन सभी वीडियो के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो रिवेन्यू डेफिसिट की हम बात करने वाले हैं बच्चों, आप बच्चों से इस वीडियो में रिवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रिवेन्यू डेफिसिट बताऊं, तो उससे पहले देखिए, हमने बजट का स्ट्रक्चर समझा हुआ है, तो इसमें आप जानते हो कि गवर्नमेंट का जो बजट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, मान लीजिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है 1500 रुपए का, यानी कि ये इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा हुआ होगा, या आप कह सकते हो कि जो सब्सिडीज देने पर खर्चा हुआ होगा, यानी कि ये गवर्नमेंट की असेट्स को न तो किसी भी तरीके से क्रिएट करेगा, न लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए ये जो है ये दुख की बात है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीप्ट्स की, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में दो तरीके की इनकम शामिल है, एक तो टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें फीस फाइन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट तब कहलाता है गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता है किससे, रेवेन्यू रिसीप्ट से। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, अगर उसमें से रेवेन्यू रिसीप्ट को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़कर जो इनकम हो रही है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, और उस वैल्यू को हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हम बात करें इसके इम्प्लीकेशन की, यानी कि इसका क्या महत्व है, तो देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया 1500 रुपये किया, और गवर्नमेंट की जो इनकम हुई मान लीजिए 100 रुपये हुई, तो इससे मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट के पास में जो एक्सपेंडिचर किए वो 150 थे, खर्चा 100 रुपये, इनकम जो है वो 100 रुपये की हुई, तो 50 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट जो हुआ है वो 50 रुपीज का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। ये रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है कि या तो गवर्नमेंट को बोरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि या तो बोरिंग करना पड़ेगा या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि खर्चा ज़्यादा कम किया, कमाई कम हुई, तो गवर्नमेंट को बोरो लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोरो लेती है तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो क्या क्रिएट करेगा, या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या असेट्स को रिड्यूस कर देगा। तो जैसा कि हमने देखिए स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में डिटेल कराया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए रेवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज दी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट कैसे पता करेंगे, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे टोटल रिवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी कि रिवेन्यू रिसीप्ट्स इक्वल टू क्या होगा, रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू।
अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट आइदर टू क्रिएट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द रिवेन्यू, अदरवाइज क्या होगा कि गवर्नमेंट को या तो बोरो लेना पड़ेगा या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसका यूज करना पड़ेगा, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का यूज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोरो लेती है तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूज करती है तो गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो जो है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या इंप्लीकेशन आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। तो इससे पहले हमने फिस्कल डेफिसिट को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, यहां पे हम एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी कि बोरिंग को छोड़ दें तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो जो एक्सपेंडिचर से कम होती है, तो उसके जो बीच का डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान बनाया, क्योंकि ये जो बजट होता है वो एक्सपेक्टेड ही होता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो एक्सपेंडिचर का जो प्लान है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करेगी, ठीक है, इसका जो प्लान है मान लीजिए गवर्नमेंट ने बनाया कि उसके 1000 रुपये 1000 करोड़ खर्च होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल लेने की बात कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और गवर्नमेंट ने पाया कि उसके जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, मान लीजिए वो रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की इनकम होगी मान लीजिए वो होगी 800। अब गवर्नमेंट के पास कुछ असेट्स भी है, गवर्नमेंट उसको भी बेचने का प्लान बना रही है, क्योंकि लगता है कि केवल वो 800 रुपये ही कमा पाएगी, बाकी का उसके पास कोई तरीका नहीं है। तो मान लीजिए उसने क्या सोचा कि 50 रुपये का वो जोड़ देगी, अपने पास जो संपत्ति है उसको बेच देगी, यानी कि वो अपनी कंपनी बेच देगी। तो अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर 150 का डेफिसिट रह गया, जिसको वो क्या करेगी, बोरो कर लेगी, ठीक है। तो इसी 150 को आप बोलोगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग को दिखाता है, यानी कि ये दिखाता है कि आपको अपना जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो ज़्यादा है, इनकम आपकी कम है, तो कितना पैसा चाहिए जिससे कि जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसे भरा जा सके। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कितना करेगी, यहाँ पे 150 करेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो यहां पे देखिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका, माइनस बजट रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट, यहां पर सॉरी ये आएगा रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग को हम कैपिटल रिसीप्ट में शामिल नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कैपिटल रिसीप्ट के 3 कंपोनेंट बताए थे हमने आपको, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन। तो बाकी के दो को तो करेंगे लेकिन बोरोइंग को इसमें शामिल नहीं करेंगे, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो देखिए अगर किसी भी देश में बड़ा फिस्कल डेफिसिट है तो ये बताता है कि देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार पर डिपेंडेंट है। कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट इस बात को इंडिकेट करता है कि एक देश जितना ज़्यादा उधार पर डिपेंडेंट होगा उस देश के सामने बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, जिसमें से एक है डेब्ट ट्रैप। क्योंकि देखिए हमें जैसे मान लीजिए हमने उधार लिया तो पब्लिक डेट्स क्रिएट होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा तो पब्लिक डेट्स और क्रिएट होगा, फिर उसके पूरा, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप बोरो करोगे उतना ज़्यादा पब्लिक डेट बढ़ेगा और उस पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और उस इंटरेस्ट की वजह से उतना ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि एक तरीके से ये डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। यानी कि आपने उधार लिया, उधार को चुकाने के लिए ब्याज पड़ेगी, उसके लिए फिर उधार लिया, तो इस तरीके से आप किस में फंस जाओगे, एक डेब्ट के जाल में फंस जाओगे, ठीक है। दूसरा इससे क्या होगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आप मान लो अपने घाटे को पूरा करने के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी है, यानी कि फॉरेन पे निर्भर करते हो, तो वो आप पे कई ऐसी कंडीशन लगा सकता है जो आप उस समय नहीं मानते जब आपको उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हो सकता है कि वो ये कह दे कि आपको हमारे लिए अपने मार्केट खोलने पड़ेगा, या वो ये कह दे कि आप अगर उधार हमसे ले रहे हो तो मशीनें भी हमसे लेनी पड़ेंगी या फाइटर प्लेन भी हमसे लेना पड़ेगा।
तो इस तरीके की कंडीशन भी एक देश दूसरे देश पे लगा सकता है अगर वो लोन की डिपेंडेंसी उसकी ज़्यादा है। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक देश जैसे भारत की ये बात करें कि भारत जो है वो बड़ी मात्रा में डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ करता है यानी कि नए नोट छापता है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से आप जैसा कि ऑलरेडी जानते होंगे कि जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने से मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिरेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी लेकिन गुड्स है नहीं, सप्लाई उतनी है नहीं, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अलावा जो आप लोन लेते हो, जो डेब्ट लेते हो, वो एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन है। किसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के पास ही फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि आप आज तो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए लोन ले लोगे लेकिन उसकी भुगतान तो आपके फ्यूचर जनरेशन को भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसके क्या क्या इंप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर हम मेजर्स की बात करें तो वो मेजर बिल्कुल सिंपल है, आपको अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके के एक्सपेंडिचर करती है, जिसको हम कह सकते हैं प्लांड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली बात ये है कि जो एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव ना हो, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट है या सब्सिडीज़ है या आप मान लीजिए और भी जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस है, तो हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि आप इनको कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना कम एक्सपेंडिचर होगा उतना ही आपको कम बोरोइंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को अपनी इनकम के जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट समय समय पर अपने टैक्सेस को इंक्रीज करती है, जैसे पहले मेरे को 1992 से पहले शायद सर्विस टैक्स नहीं हुआ करता था, थोड़ा डेट आप देख लीजिएगा, तो सर्विस टैक्स अब धीरे धीरे करके सर्विस टैक्स आया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नए नए टैक्सेस को इम्पोज करती रहती है, ठीक है, या उनके रेट को चेंज करती रहती है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती है ताकि कर सके, लेकिन इन सभी मेजर के अलावा हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि इससे क्या होगा, जो काम करने की इच्छा है और सेविंग करने की इच्छा है उस पर इसका एबिलिटी पर, विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्सेज की कि आखिरकार ये जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है, मान लीजिए आपने 100, हमने जैसे समझा था 150 का तो हमने बोरो कर लिया, लेकिन अब 150 आएगा कहाँ से, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि आखिरकार हम 150 जो बोरिंग हमने किया वो लाएंगे कहाँ से। तो दो तरीके हैं, एक तो बोरिंग, हालांकि है बोरिंग ही, तो बोरिंग किससे लिया जा रहा है, अगर बोरिंग इंटरनल सोर्स से लिया जा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से लिया जा रहा है, और इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट के पास है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो नोट छापती है, ठीक है, इसके लिए किसके, गवर्नमेंट नोट इनडायरेक्ट डायरेक्टली तो नहीं छापती, तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, जो अपने बॉन्डों को आरबीआई को दे देगी और आरबीआई इंटरेस्ट फ्री उसको पैसा दे देगा लोन के रूप में, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी लोन प्राप्त करती है, यानी कि एक्सटर्नल मतलब विदेशों से, जिसमें विदेशी बैंक आएंगी, विदेशी इंस्टीट्यूशन आएंगे, विदेशी गवर्नमेंट आएगी, और इंटरनल सोर्स मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक बैंक्स और पब्लिक से, ठीक है, सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, इंटरनल सोर्सेज का मतलब पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक, इन सबसे भी गवर्नमेंट बोरो करती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ा हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको फिस्कल डेफिसिट का ये कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट की। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने फिस्कल डेफिसिट को समझा था, जिसमें हमने समझा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारी बोरिंग और अदर लाइबिलिटी को दिखाती है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो बोरिंग है उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि अगर हमने पिछले सालों में बोरिंग ली है तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो हमारे यहाँ पे करंट ईयर में आएगा। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट, यानी कि करंट ईयर में जो बोरिंग है वो उसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पर आपको मैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए देश में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3,000 करोड़ का है, यानी कि जो सरकार है उसको 3,000 करोड़ का घाटा हो गया, जिसे वो उधार लेके पूरा करेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये उधार लिया क्यों जा रहा है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह कि आपने कोई नए प्रोजेक्ट सॉल्व करने हैं, यानी कि आपने कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई है, नए ब्रिज बनाने हैं या नए तरीके का एक्सपेंडिचर करना पड़ गया, जिसकी वजह से 1000 का
आपको लॉस हो गया है या घाटा पड़ रहा है, लॉस का मतलब यहाँ पे डेफिशिट से है। दूसरा, आपने पहले ही कोई बोरिंग ली थी जिसके प्रति आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, यानी कि आपकी कोई पास्ट बोरिंग है जिस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो जो जो फिस्कल डेफिशिट है उसमें दोनों चीज शामिल होती हैं, यानी कि करंट प्रोजेक्ट के लिए जो बोरो लिया जा रहा है और पुराने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो बोरो लिया जा रहा है, दोनों ही शामिल होती हैं। लेकिन प्राइमरी डेफिशिट में हम केवल बोरो तो शामिल करते हैं, लेकिन केवल और केवल न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो बोरो ले रहे हैं उसी को शामिल करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट की उन रिक्वायरमेंट को दिखाती है जो करंट ईयर के लिए है, यानी कि पास्ट में आपने इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा इसका इंप्लीकेशन कि दिस इंडिकेट्स दैट अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायरमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि क्या दिखाता है कि हमें कितने बोरोइंग की जरूरत है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि सिंपल अगर हम शब्दों में कहें तो प्राइमरी डेफिशिट हमें बताता है कि हमें कितना बोरो चाहिए अपनी न्यू रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अदर देन पास्ट इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर मान लीजिए प्राइमरी डेफिशिट जीरो है, तो यहां पर हम समझते हैं प्राइमरी डेफिशिट जीरो होने का क्या मतलब है, कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने मान लीजिए 3000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है और केवल आप इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही पैसा ले रहे हो, तो उस केस में प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। तो यह क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी डेफिसिट का जीरो होना इंडिकेट करता है दैट गवर्नमेंट वांट मनी बोरो बिकॉज ड्यू टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कभी पैसा लिया था उसका इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने के लिए ही अब पैसा लिया जा रहा है, इसको आप बोलोगे प्राइमरी डेफिसिट। और अगर हम बात करें कि अगर प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट है, मान लीजिए कि प्राइमरी डेफिसिट हमारा 3000 है और ये भी 3000 है, इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल इसलिए पैसा ले रहे हैं ताकि न्यू प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें, हमारे ऊपर कोई पास्ट इंटरेस्ट की बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्राइमरी डेफिसिट को पूरी तरीके से समझा कि प्राइमरी डेफिसिट हमारा डिपेंडेंसी ऑफ बोरोइंग दिखाता है, लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं है, पुराने सालों का इंटरेस्ट पेमेंट शामिल नहीं है। अगर हम मेजर्स की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट को कम करने का एक ही तरीका है कि आप कैसे भी करके अपना फिस्कल डेफिसिट को कम करो। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। तो हालांकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को डिफाइन किया था, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को समझें, उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस किस चीज को शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट आता है जो कि अनप्रोडक्टिव होता है, ठीक है, या एम्प्लॉयज की सैलरी आती है, या इसके अंदर जो हम सब्सिडी देते हैं पब्लिक को वो सब आता है, लेकिन इसके अंदर वो भी आता है जो हम सब्सिडी या ग्रांट देते हैं, ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को ग्रांट देते हैं। एक्चुअल में एक कमेटी बैठी थी, रंगरंजन कमेटी, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि ये जो ग्रांट होता है, यानी कि ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट, इसको आप, हालांकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ये दे दिया, लेकिन ये जो ग्रांट है इसको पाकर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैपिटल क्रिएट करती है, यानी कि एक्चुअल में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सही तरीके से आपके रेवेन्यू, वो सही तरीके से इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कितना आपने अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च किया, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है आपने अनप्रोडक्टिव कामों में जो पैसा खर्च किया है। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट यूज हुआ जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा
कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए की, मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और 80 रुपए का रेवेन्यू रिसीव किया, तो कितने रुपए का डेफिसिट हो गया, 20 का। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें जो हमने सब्सिडी पे पैसा दिया है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, ताकि वो अपनी कैपिटल क्रिएट कर सके। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उनको पैसा दे रहे हैं ताकि वो अपने अपने राज्य में ब्रिज बना सकें या पुल बना सकें या कोई और डेवलपमेंट का काम कर सकें या कैपिटल क्रिएट कर सकें, केवल उसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए 5 लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट हुआ वो 15 करोड़ ही हुआ या 15 ही हुआ। तो इस टर्म का जो है यूज किया था सबसे पहले, वो किया था यूनियन बजट में 2011-12 में। और इसके बारे में एक बार हम फिर से डिफाइन कर दें तो ये कहा जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। तो ग्रांट किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी गई है उससे जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल क्रिएट किया है। अगर हम उस वैल्यू को माइनस कर दें किसमें से, रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो जो बचेगा उसको हम कहेंगे कैपिटल डेफिसिट, सॉरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैंने देखो कुछ पॉइंट भी लिखे हुए इसके बारे में, आप वो भी पढ़ लीजिए। तो हमने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री सच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड therefore should not to be treated an unproductive in nature। यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं जो ग्रांट दिया है गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। ऊपर की जो कुछ लाइन है वो हमने हटा दी है यहाँ से। इन द यूनियन बजट 2011-12 न्यू मेथोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कैप्चर द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट विच एक्सक्लूड दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। यानी कि इसमें से क्या किया गया है, उन ग्रांट को माइनस कर दिया गया है जो कैपिटल असेट्स को क्रिएशन के लिए किया गया। इट इन दिस मेथड मेथोलॉजी इज टेकन इन टू द अकाउंट द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फॉर 2010-11 इट इज ओनली 2.3% एज अगेंस्ट द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 3.8% ऑफ GDP। यानी कि जो इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट था वो था 2.3% और जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो था 3% ऑफ GDP। तो हमें यह समझना पड़ेगा यहां पर कि एक बार मैं आपसे फिर से समराइज कर देता हूं इसके बारे में कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर हम उस वैल्यू को माइनस कर दें तो उसको हम कहेंगे क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। किसमें से माइनस करना है, रेवेन्यू डेफिसिट में से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हम बात करेंगे मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जिसको डेट मोनेटाइज भी कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हालांकि मैंने फिस्कल डेफिसिट एक बार ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार इस वीडियो में बता देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट हम बात अभी कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की नेट बोरिंग को दिखाती है। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया 2000 रुपए का, कमाई हुई 1500 रुपए की, तो इसके बाद गवर्नमेंट के पास जो असेट्स थी गवर्नमेंट ने वो भी 100 रुपए की बेच दी, तो 1600 रुपए की कमाई हो गई टोटल। मान लीजिए 50 रुपए की रिकवरी कर ली किसी और से, यानी कि अभी भी आप देखोगे तो 350 रुपए का डेफिसिट हुआ। यानी इसको आप बोलोगे फिस्कल डेफिसिट, जो नेट बोरिंग गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि बोरिंग किस किस से ली जाती है, यहां पर आपको ये बेसिकली बात समझनी है। तो गवर्नमेंट के पास बोरिंग लेने के दो सोर्स होते हैं मेनली, जिसको कि हम कहते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, इंटरनल सोर्स, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो अगर हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल, दो सोर्स होते हैं हमारे पास में। एक्सटर्नल सोर्स मतलब विदेशों से पैसा लेना है, और इंटरनल सोर्स मतलब देश के अंदर से ही पैसा लेना है। तो देश के अंदर से कौन कौन से सोर्स होते हैं एक बार आप वो देख लीजिए। देश के अंदर से जो सोर्स होते हैं उसमें से एक तो पब्लिक है, ठीक है, दूसरा है कमर्शियल बैंक या और कोई इंस्टीट्यूशन हुआ उनसे ले सकती है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो आरबीआई से है, आरबीआई से लोन है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि बोरोइंग का वो हिस्सा जो आरबीआई से लिया गया है उसको बोलते हैं हम मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट। यानी कि मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है कि बोरोइंग में से वो हिस्सा बोरोइंग का जो आरबीआई से लिया गया है उसको आप बोलोगे क्या, फिस्कल डेफिसिट। यानी कि द मोनेटाइज इज द एक्सटेंट टू विच
द आरबीआई हेल्प टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द बोरोइंग प्रोग्राम, यानी कि मोनेटाइज का क्या मतलब हुआ कि किस लेवल किस अमाउंट तक आरबीआई हेल्प करती है सेंट्रल बैंक की इन इट्स बोरोइंग प्रोग्राम. सो इन अदर वर्ड्स मोनेटाइज डेफिसिट मीन्स इंक्रीज इन द नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल बैंक सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट सच दैट मॉनिटरी नीड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए आरबीआई नेट कितना क्रेडिट देती है उसको हम बोलते हैं डेट मोनेटाइज. तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं इसके इंप्लीकेशन की. देखिए बात ध्यान से समझिएगा, बहुत रिलैक्स होकर कंसेप्ट से, कि ये जो आरबीआई है, मान लीजिए टी बिल आप जानते होंगे, ट्रेजरी बिल की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेजरी बिल जो है वो किसके पास होंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास है, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेजरी बिल को देगी किसके, किसको देगी ट्रेजरी बिल को, आरबीआई को. तो आरबीआई को ट्रेजरी बिल देने का क्या मतलब हुआ कि आरबीआई इसके बदले क्या देगी, इसको न्यू करेंसी नोट देगी, न्यू नोट इशू करके देगी, या न्यू करेंसी हम लिख देते हैं, ठीक है, न्यू करेंसी देगी. इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है मार्केट में, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी. देखिए अगर वो लोन लेती पब्लिक से, ठीक है, तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ती. क्यों नहीं बढ़ती मनी सप्लाई, क्योंकि पब्लिक से लोन लिया, तो पब्लिक से लोन लेने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में से मनी जो थी वो गवर्नमेंट ने ले ली, बाद में उसको वो एक्सपेंड करेगी. तो मनी सप्लाई जो अगर पब्लिक से लोन लोगे, हाँ, लेकिन उसका जो बर्डन है वो पड़ेगा. इसी तरीके से कमर्शियल बैंक से अगर आप मनी लेते तो मनी क्रिएशन तो होता, लेकिन मनी सप्लाई डायरेक्टली उस तरीके से नहीं बढ़ती जिस तरीके से मॉनिटरी बेस के थ्रू बढ़ती है. लेकिन जब आरबीआई से पैसा लिया जाएगा ट्रेजरी बिल के थ्रू और आरबीआई इसके लिए नए नोट छापेगी, तो इसका मतलब जो चीज मार्केट में पहले थी नहीं, मनी पहले मार्केट में थी नहीं, वो मार्केट में सडनली मनी आ जाएगी. तो इसका असर ये होगा कि जो मनी आने की वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, यानी कि इन्फ्लेशनर प्रेशर आएगा, ठीक है. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा डेट मैनेजमेंट ज़्यादा, सॉरी मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में ज़्यादा आएगा. तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है वो आप समझ लीजिए. देखो कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जितना कम फिजिकल डेफिसिट रखोगे उतना ही कम आपका मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट रहेगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, जो फिजूल खर्चे हैं, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं या जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, उनको गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा. साथ ही साथ अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा. अदरवाइज गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल के थ्रू नोट करना पड़ेगा. अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में जैसे ट्रेजरी बिल बढ़ता है, आपको पता होगा कि मार्केट में ट्रेजरी बिल की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, जिससे जो यील्ड है वाई है इनकम जो ट्रेजरी बिल पे मिलती है वो घटेगी, ठीक है. साथ ही साथ क्या होगा कि जो इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर वो भी कम हो जाएगा. तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसका पूरा का पूरा क्रिएट करेगा ये जो हमारा मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट समझ में आ गया होगा. अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, समराइज कहें, तो ये हमारी नेट आरबीआई क्रेडिट को दिखाता है, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को अपना जो डेफिसिट है उसे पूरा करने के लिए आरबीआई से कितना पैसा लेना पड़ा न्यू मार्केट में जो पहली बार आया, उसको हम बोलते हैं मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू.